नमस्कार, स्वागत छे आपनो गुजरात फर्स्ट मां, हूं छु आपनी साथे राधा। बुलेटिन ने शुरुआत करे सौप्रथम सौथी महत्वना समाचार। हरियाणानी चूंटणी पहला सौथी मोटा समाचार, राजनीति ना अखाड़ा मां विनेश अने बजरंग नी एंट्री। दिल्ली खाते कांग्रेस मां जोड़ाया विनेश अने बजरंग। चक दे इंडिया चक दे हरियाणा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह्यु विधानसभा नी चूंटणी लड़ी शके छे विनेश अने बजरंग। त्यारे दिल्ली खाते कांग्रेस मां विनेश अने बजरंग जोड़ाया छे। हरियाणानी चूंटणी पहला सौथी मोटा समाचार, वधु माहिती मेळवीशुं संवाददाता देवनाथ पांडे आपणी साथे जोड़ाया छे। देवनाथ, राजनीति के अखाड़े में अब विनेश और बजरंग की एंट्री। बिल्कुल राधा, देखिए राजनीति के अखाड़े में अब विनेश और बजरंग की एंट्री हो चुकी है। और अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के चीफ है उनसे और केसी वेणुगोपाल से इन दोनों ही पहलवानों की मुलाकात हुई है। और आधिकारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर इन्हें अब कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाएगा। और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि बजरंग पुनिया को हरियाणा में जाट बाहुल्य इलाके से उतारने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं विनेश फोगाट को भी चरखी दादरी से उतारने की कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है। तो जिस तरह से पहलवानों की एंट्री कांग्रेस पार्टी में हो रही है और हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सियासी जमीन जो खो चुकी है उसे वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और ऐसे में पहलवानों की कांग्रेस में एंट्री कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होती भी दिखाई देने वाली है। क्योंकि विनेश फोगाट को अब से पहले कहीं ना कहीं हमने देखा जिस तरह से ओलंपिक खेलों में वो चर्चाओं में रहे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की मानी जा रही है और इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। तो अब से कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर कहीं तो दोनों पहलवान कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर इनकी मुलाकात पहले ही केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से थोड़ी देर पहले हुई है। जी जी देवनाथ, धन्यवाद आपका अपडेट के लिए।